अपने सेल को कोई भूले तो कितनी बड़ी बात है। एक आदमी कश्मीर में गया, शिकारे में घूमने गया, होटल में सामान रखा, उसको एड्रेस ही भूल गई अपनी। बाहर निकला, पुलिस वाले को बोलता है हमको अपना घर दिखाओ। बोलता है तुमको एड्रेस हो गए तो मैं घर दिखाऊं ना। बोलता है एड्रेस अभी घर में हुए कागज रह गया, अभी मैं ऐसे ही आ गया हूँ, हमको कोई रास्ता दिखाओ। वो बोलता है तुमको अपनी एड्रेस नहीं है तो हम भी तुमको घर नहीं दिखा सकते, ये तुम्हारे से भूल हुई है। तुमको अपने आत्मा की टिकट नहीं है तो कोई तुमको पूछेगा भी नहीं। सेल्फ तुम भुला दिया है, अपनी आत्मा को भुला दिया है। प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सभी रोग। अब तुमको सबको अपनी घर की एड्रेस याद है, भाई मेरा घर इधर है। तो अपना घर है आत्मा का घर। आत्मा भूल गई तो तुम टिके थाबा खाएगा, न इधर का न उधर का, न इस दुनिया में तू शांत है न परमात्मा के राज में जाके शांत होगा। जिसको इधर अपनी एड्रेस याद है, घर में भी जाके सुखी रहेगा और परमात्मा के राज में भी सुखी रहेगा। बोला मैं इस इधर की भी टिकट है, उधर की भी एड्रेस है, सब जगह की एड्रेस है। हम आए भी भगवान से है, लीन भी हमको भगवान में अभी रहने का है। क्यों ना हम अभी भगवान में लीन हो। कौन लीन रहेगा भगवान में, कौन गुम रहेगा भगवान में, जो एक भी वासना किसी में न रखेगा। ये जगत सारा हमने बनाया बुलाने के लिए, बुलाने के लिए भी नहीं पर परीक्षा के लिए। आज हमको कई लोग ऑफर करे कोई भी चीज की तो हम नो कर सकते हैं ना। तो ब्रेम मैन होगा जो नो करेगा। तुम जो मनुष्य है दुनिया में, उसे मैं क्या करूं, उसने ज्यादा बोला तो मैंने भी ले लिया, उसे ज्यादा बोला मैंने कर लिया, इसने ऐसा बोला मैंने। तू नो क्यों नहीं बोला, वो होशियार आदमी होगा जो किसी भी चीज को ठुकरा सकता है।